नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। नेत्रदार शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित कुछ विशेष सूचनाओं के साथ। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, आपका एक से डेढ़ मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ बेंच में जो सुनवाई की संभावनाएँ हैं वो थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इसके पहले आपको बताया गया था आपका मामला जो है वो दो नंबर पर लगा हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति बनी है, यहाँ की जो लिस्ट आ गई है फ्रेश केसों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, डेली में आपके दो नंबर का है, तो फ्रेश आप देख पा रहे होंगे। ये फ्रेश भी एक तारीख की रिलीज कर दी गई है, फ्रेश लिस्ट है, इसमें एक तारीख की है ये, आप देख पा रहे हैं। कोर्ट नंबर एक, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और मनीष माथुर साहब की बेंच में, यहाँ टोटल केस आप देख पा रहे होंगे, संख्या बहुत अधिक नहीं है, एक दो। और इसके बाद आते जाएँ आप नीचे, नीचे ये आ जाइए आप, इस पेज में नहीं, सेकंड पेज में है, इस पेज में आ जाइए, यहाँ नीचे 25 केसेस हैं केवल, मात्र फ्रेश केसों की संख्या कितनी है, 25 फ्रेश केस हैं कोर्ट नंबर एक में। और इसके बाद आपका जो मामला है वो डेली में दो नंबर पे लगा है, तो 25 ये है, इसके पहले और भी लंबी थी, लगभग 30 उसके आसपास थी, लेकिन फिर भी आपका मामला टेकअप हो गया। तो 25 केस बहुत अधिक नहीं है दोस्त, बैकलॉग की एक है बची है, वो भी शाम तक जारी हो जाएगी, तो चीज़ें एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपके मामले की जो सुनवाई की संभावना है वो अधिक हो गई है लखनऊ बेंच से, क्योंकि फ्रेश केसेस जब कम हो जाते हैं तो बहुत जल्द फ्रेश केसेस ख़त्म होने के बाद आपके जो डेली के रहते हैं वो उठा लिए जाते हैं। तो उम्मीदें पूरी पहले भी थी, अभी भी उम्मीदें हैं कि आपका मामला टेकअप होगा, खैर देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद लखनऊ के बाद जो दिल्ली आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है उसको भी हमने सुबह आपको बता दिया, यू ललित साहब के बेंच में लगा है, हालांकि एडिशनल लिस्ट अभी तक नहीं आई है, वहाँ की एडिशनल लिस्ट कॉज लिस्ट आ जाएगी शाम तक जो है, सप्लीमेंट्री शाम तक आ जाएगी, तो चीज़ें वहाँ जो है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी भी उसमें कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो कल शाम तक जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका कंफर्म हो जाता है कि नहीं एक का। तो मिलेंगे शाम तक, किसी विशेष अपडेट कोई रहेगी जानकारी उसके लिए, ये थोड़ी सी जानकारी छोटी सी आपके साथ थी। आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर एक को क्या होगा, तो एक को संभावनाएं अधिक दिख रही हैं सुनवाई के लिए, क्योंकि केसों की संख्या ज़्यादा है नहीं तो संभावना बढ़ जाती है। तो विस्तृत जानकारी के साथ शाम को करीब 8-9 बजे के बाद आपको जो एक वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी जो है, जिसमें लखनऊ बेंच को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट बेंच को लेकर के जो भी जानकारी है वो साझा की जाएंगी। मिलेंगे, जय हिंद।